गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम डेजर्ट रैट्स एंड स्नैक्स। ठीक है, मीन्स डेजर्ट के अंदर जो मरुस्थल के अंदर स्नैक्स हैं, रैट्स हैं, ये पाए जाते हैं उनके बारे में। तो ये आप देखो, जैसे डायग्राम में दिख रहे होंगे कि ये रैट हैं या फिर स्नैक हैं, ये बिल के अंदर रहते हैं। ठीक है, तो बिल के अंदर मिलते हैं। ठीक है, और दिन के समय मीन्स यहाँ पे क्योंकि डेजर्ट है तो बहुत ज़्यादा गर्म मिलेगा। ठीक है, हॉट क्लाइमेट तो होता ही है। तो दिन के समय ये अपने बिलों के अंदर चले जाते हैं और रात के समय जब जैसे थोड़ा मौसम ठंडा होता है तो ये बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो डेजर्ट रैट्स एंड स्नैक्स स्टे इन डीप फोरो इन दी सैंड, मीन्स मिट्टी के अंदर बिल बना के रहते हैं, टू स्टे अवे फ्रॉम दी इंसेक्ट ड्यूरिंग दी डे। और दिन के समय मीन्स ये इसके अंदर रहते हैं। ये द एनिमल्स कैम आउट ओनली ड्यूरिंग नाइट, सिर्फ रात के समय ये बाहर आते हैं, वेन इट इज़ कूलर, जब ये ठंडे हो जाते हैं। इनके जो बॉडी का जो कलर है, जैसे आप देख रही हैं, तो जैसे अपनी ज़मीन का जो कलर होता है ना, ठीक वैसा ही है। तो ये इसको क्या करेगा, जो प्रेडिकेटर होते हैं उनसे बचा के रखेगा। ठीक है, प्रेडिकेटर मीन्स जो शिकारी होते हैं उनसे बचा के रखेगा। तो बॉडी कलर ऑफ मैनी डेजर्ट स्नैक्स रिजेंबल्स टू कलर ऑफ द डेजर्ट सैंड, मीन्स डेजर्ट सैंड से मिलते जुलते हैं। मीन्स दे आर लेस विजिबल टू देयर प्रेडिकेटर, ताकि जो है मीन्स वो कम दिखाई दें अपने प्रेडिकेटर से। नेक्स्ट देखो क्या है, अडेप्शन इन डेजर्ट प्लांट, मीन्स अब डेजर्ट प्लांट के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या है, सबसे पहले डेजर्ट प्लांट्स में, डेजर्ट प्लांट्स, डेजर्ट जो प्लांट होते हैं इनकी जो पत्तियाँ होती हैं ना, या तो बहुत ही छोटी मिलेंगी या फिर बिल्कुल मिलेंगी ही नहीं, या एब्सेंट मिलेंगी। ठीक है, क्यों मिलेंगी, क्योंकि डेजर्ट के अंदर वैसे ही पानी की कमी रहेगी, वाटर की कमी रहेगी ना, पानी की कमी। और लीव्स क्या करती हैं, ट्रांसपिरेशन करती हैं, क्योंकि पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं। तो ये क्या करते हैं, ट्रांसपिरेशन करते हैं। ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर, मीन्स जो पानी होता है उसका लॉस करते हैं। तो अगर पत्तियाँ होंगी तो लॉस ऑफ वाटर होगा, और यहाँ पर पहले से ही पानी की कमी है। ठीक है, तो इनके अंदर जो है स्टेम के थ्रू ही ये जो है मीन्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। ज़्यादातर जो इनका फोटोसिंथेसिस किसके थ्रू होता है, स्टेम से ही होता है। ठीक है, क्योंकि पत्तियाँ या तो बहुत ही छोटी मिलेंगी या फिर मिलेंगी ही नहीं, क्योंकि जो है ट्रांसपिरेशन ना होता कि। तो इन डेजर्ट प्लांट्स लीव्स आर आइदर एब्सेंट और वेरी स्मॉल, मीन्स या तो एब्सेंट मिलेंगी या फिर बहुत ही छोटे मिलेंगी। एंड दे आर प्रजेंट इन शेप ऑफ दी स्पाइंस, मीन्स स्पाइन की शेप में मिलेंगी। दिस हेल्प टू रिड्यूसिंग लॉस ऑफ वाटर, तो इससे ये क्या करेंगे, इनको लॉस ऑफ वाटर को रिड्यूस करेंगे, मीन्स पानी को ज़्यादा लॉस होने से बचाएंगे। एंड लीव्स थ्रू दी ट्रांसपिरेशन, ठीक है। फोटोसिंथेसिस दिस प्लांट इज यूजली कैरिड आउट बाई स्टेम, ज़्यादातर इनमें क्या होता है, फोटोसिंथेसिस स्टेम के द्वारा होता है। स्टेम इज सुसिलेंट एंड स्पॉन्जी, मीन्स ये थोड़ा सा मुलायम होता है, विच हेल्प टू स्टोरेज ऑफ वाटर, जो पानी को स्टोर करने में मदद करता है। क्योंकि यहाँ पे मेन दिक्कत पानी की आएगी, पानी की कमी होगी, तो इनकी जो पत्तियाँ तो या तो होंगी नहीं, तो स्टेम होंगे, वो क्या करेंगे, वाटर को स्टोर करके रखेंगे। द स्टेम इज आल्सो कवर्ड विद थिक वैक्सी लेयर, और एक गाढ़ी वैक्सी लेयर से होंगे, विच प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर टू प्लांट, जो इनको पानी से बचाव करेगा। मोस्ट डेजर्ट प्लांट हैव रूट गो इन टू डीप इन दिस सॉयल, मीन्स मिट्टी के अंदर काफ़ी गहराई तक इनकी जड़ें होंगी, ताकि पानी को अब्जोर कर लें। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है माउंटेन ड्रैगन इन कूलर क्लाइमेट, माउंटेन ड्रैगन के अंदर क्योंकि यहाँ पे मौसम क्या रहेगा, ठंडा रहेगा। तो अब इसके बारे में जानते हैं, तो जो माउंटेन ड्रैगन के अंदर कौन कौन से एनिमल, जैसे इस तरह के एनिमल्स पाए जाएंगे, सबसे पहली बात इनकी जो स्किन होगी उसके ऊपर हेयर मिलेंगे। क्यों मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे मौसम बहुत ठंडा रहता है और इनके हेयर क्या करेंगे, इनको ठंड से प्रोटेक्ट करके रखेंगे। ठीक है, क्योंकि हेयर क्या करेंगे, जो इनके ऊपर जो थिक फर होगी ना, फर जो होगी, ये इनको क्या करेगी, ठंड से बचा के रखेगी। तो एनिमल्स लिविंग इन माउंटेन रीगन हैव थिक स्किन, मीन्स मोटी स्किन होगी, और या फिर फर, फिर जो ऊपर वाले जो जैसे भेड़ के बाल आपने देखे होंगे इस तरह से, टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम कोल्ड, जो उसको ठंड से बचा के रखते हैं। याक हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म, याक के क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, जैसे ऊपर वाला जो डायग्राम है वो याक का है, जो इसको गर्म रखते हैं। स्नो लिपेल्ड हैव थिक फर एंड इंक्लूडिंग द फिट, ठीक है, जो लिपेल्ड होता है उसके भी काफ़ी जो थिक हेयर होते हैं, फर होती हैं, द प्रोटेक्ट फिट फ्रॉम द कोल्ड, और इसके जो मतलब पैर हैं वो भी थोड़े चौड़े होते हैं, फर से ढके होते हैं, जो उसको ठंड से बचाते हैं। वेन इट वॉक टू स्नो, जब ये बर्फ़ में चलता है। द माउंटेन गोट, जो माउंटेन गोट ये वाली हो गई, ठीक है, माउंटेन जो गोट होती है, लॉन्ग हेयर, इसके भी लंबे बाल होते हैं, एंड स्ट्रॉन्ग हीव्स जो मिलते हैं फॉर रनिंग द स्लोप ऑफ द माउंटेन, मीन्स माउंटेन में रन करने के लिए। ठीक है,